इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे राजस्थान वर्सेस कोलकाता के बीच जो आज आईपीएल का मैच होगा इसके बारे में। सो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और जो लोग बोल रहे थे कि भाई ग्रैंड लीग के लिए हमें भी कुछ सजेशंस दो, जैसे मैं ग्रैंड लीग विन कर रहा हूँ, जैसे अभी वाला मैच आपने देखा होगा, मैंने आपको वैसे शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पे, टीम्स भी मैंने आपको स्मॉल लीग की दी थी एंड जो मेरी रैंक्स वगैरह थी वो मैंने यहाँ पे शेयर की थी, और मैं आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 71 रैंक, उसके अलावा 200 रैंक, ये 2 लाख मेंबर्स की अगर अंदर आप देखोगे एक अच्छी रैंक है ये, फिर उसके अलावा 36 रैंक यहाँ पे, 45, और जो अभी लाइव मैच चल रहा है उसमें भी अगर आप लोग रैंक देखोगे, हालांकि ये तो मैच अभी स्टार्ट ही हुआ है तो भी आपको रैंक 1 दिखेगी। ठीक है, जितने भी मतलब मैंने जीएल ज्वाइन कर रखी है, नाइट वाला मैच देखोगे तो नाइट वाले मैच में 94 कॉन्टे ज्वाइन किए थे, 92 विन किए, टीम आपको शेयर की थी मैंने, एंड ग्रैंड लीग की रैंक देखिए 225, उसके अलावा यहाँ पे सेकेंड रैंक 10,000 का प्राइज। तो इसी तरीके से भाई मैं कोशिश करूंगा जो राजस्थान और कोलकाता का मैच है इसमें मैं आपको सारी वो डिटेल्स दूंगा जो ग्रैंड लीग में आपके काम आएगी। लेकिन मेन बात पता है क्या होता है, लोग वीडियो को ही नहीं देखते, क्योंकि जब वीडियो पूरा देखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि गेम की कंडीशन क्या है, किस तरीके से टीम बनानी होती है, बट देखते ही नहीं है तो भाई अपन भी क्या कर सकते हैं। आज देखना, आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, सबसे पहले तो इस मैच में आपके लिए 8,000 रुपए का गिव अवे रहेगा जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, तो जिन्होंने भी नहीं किया कर ले ताकि अगली जब वीडियो आए वो भी आपको मिले, और गिव अवेज तो आते ही रहेंगे तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये मोटिवेशन देता है कितने लोगों को वीडियो पसंद आई है, और सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम से ज्वाइन होना। देखिए ज्वाइन होने का रीजन है, जिस मैच की आप वीडियो देख रहे हो इसकी जो फाइनल आपको स्मॉल लीग की टीम मिलेगी ना, स्मॉल लीग की, वो टेलीग्राम पर मिलेगी। और हाँ, ग्रैंड लीग के लिए आप बोलोगे कि यार भाई हमें ग्रैंड लीग की भी टीम चाहिए, तो रियलिटी में आपको बोल देता हूँ, जब ये मैच की लाइनअप होती है ना तब मेरे पास टाइम होता है केवल 10 से 5 मिनट, उस केस में मैं भाई जीएल में खुद नहीं खेलता हूं। ठीक है, मैं आपको जैसे दिन में 2 मैचेस होते, कल जो मैचेस थे कल मैं आपको शेयर कर सकता था, कल मेरी रैंक भी काफी अच्छी आई थी, तो मैं जीएल का तो आपको बोलूंगा नहीं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम 5 से 10 टीम आपको जीएल की शेयर कर सकूं, लेकिन वो आपको सेकेंडरी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, क्रिकविंस पे। देखिए मेन चैनल पर तो मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन मेन चैनल पर केवल स्मॉल लीग की टीम आएगी, ग्रैंड लीग की टीम तो सेकेंडरी टेलीग्राम चैनल क्रिकविंस पे आएगी, ज्वाइन कर लेना। अब ये जो 8,000 के गिव अवे है, मैच में कैसी टीम रेडी करनी है, ये पॉइंट यहां से स्टार्ट होते हैं। हो सकता हो आपने स्टार्टिंग के 2 मिनट स्किप किए हो, लेकिन यहां से स्किप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं, दोनों टीमें अपना लास्ट मैच हार के आ रही है, स्पेशली केकेआर की टीम के तो 2 मैच लगातार हारी है, आप यहां पर केकेआर को चाहिए विनिंग, और राजस्थान की टीम भी अपना लास्ट मैच हार के आ रही है तो इनको भी विनिंग चाहिए। तो जब उस केस के मैचेस आ जाते हैं, दोनों टीमें हार के आती है, तब मैच जो है विनिंग के लिए दोनों ही खेलती है, तो वो बहुत अच्छा मैच होता है। ठीक है, तो यहां पे आज आपको एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां से हेड टू हेड अगर आप देखोगे, आरआर 24 मैचेस हुए टोटल, जिसमें से 11 मैच जीते आरआर ने और 13 मैच जीते केकेआर ने, 2 मैच जो है कम जीती हुई आरआर की टीम, लेकिन इस वक्त केकेआर की टीम से ज्यादा मजबूत टीम है आरआर की टीम, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों साइड से, और अगर ट्रेंड बोल्ट खेलते हैं तो लगभग आप मान के चलना 70 से 80% राजस्थान ऑलरेडी विन कर जाएगी, क्योंकि लास्ट मैच में भी राजस्थान विन कर रही थी, बट खाली किसकी, ट्रेंड बोल्ट की, तो वहां पे अगर बोल्ट फिट हो जाते तो जरूर खेलेंगे। सो गाइस यहां से अगर आप लोग देखोगे प्लेयर जो दोनों टीमों के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो युजवेंद्र चहल केकेआर के अगेंस्ट सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं, ये आरसीबी में थे पहले लेकिन अभी जो है राजस्थान रॉयल्स में आ चुके हैं, लेकिन प्लेयर तो वही है ना, प्लेयर तो वही है, किसी भी टीम में जाए प्लेयर वही है। तो चहल का रिकॉर्ड केकेआर के अगेंस्ट सबसे बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा विकेट है इसके, और बैटिंग में संजू सैमसन के सबसे ज़्यादा रन है राजस्थान के अगेंस्ट। आरआर की टीम के अगेंस्ट में सुनील नारायण और बैटिंग में श्रेयस अय्यर, ये 2 प्लेयर बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हैं केकेआर की तरफ से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में, तो बारबोन स्टेडियम मुंबई, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि छोटी बाउंड्रीज है, तो अकॉर्डिंग टू मी और बाकी लास्ट के कुछ मैचेस के बेस पर भी आपने देखा होगा अच्छे खासे स्कोर यहाँ पर होता है, और दोनों टीम में अच्छे खासे प्लेयर भी अवेलेबल है, हिटर प्लेयर है, जिससे कि अगर आप देखो कि सैमसन हो गए और बटलर हो गए, पड्डीकल हो गए, शिमरोन हेटमायर हो गए, दूसरी साइड कोलकाता की तरफ से अभी आंद्रे रसल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए,
एंड अगर आप देखोगे काफ़ी सारे प्लेयर हैं, पेट कमिंस भी अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा ही रहे हैं, नीतीश राणा तो अच्छा स्कोर दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग का फैसला लेगी। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे सेकंड इनिंग में रन आराम से बनते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जब अच्छा खासा रन बनेंगे तो टीम विन करेगी। अच्छा एक बात ध्यान देना, जैसे राजस्थान की टीम है अगर पहले बॉलिंग करती है तो फिर ये जो KKR की विनिंग है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे सॉरी KKR की हारने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि गाइस सेकंड इनिंग में क्या है रन जो है बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो टीम बॉलिंग करेगी पहले उसके जो विनिंग चांसेज है वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट के IPL के जो मैचेस खेले गए ना यहाँ पे, जिसमें अगर आप देखोगे तो पेसर्स बॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं यहाँ पे, 56 विकेट है पेसर्स के यानी कि फास्ट बॉलर के, और स्पिन बॉलर के 28 विकेट है। लास्ट मैच अगर आप देखोगे तो फास्ट बॉलर ने 8 विकेट लिए और स्पिन बॉलर ने 3 विकेट लिए। एक बात ये भी ध्यान देना, यहाँ पे बैट्समैन केवल वही रन स्कोर कर पाएंगे जो कि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अकॉर्डिंग टू इन दोनों टीमों के वैसे अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि रहाने तो खेल ही नहीं रहा है, फिंच है, ठीक है। फिंच का मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये पावर प्ले के अंदर टिक गया, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 6 ओवर में अगर ये बच गया तो ये बहुत तगड़ा स्कोर करके जाएगा, वरना उससे पहले इसको आउट कर दिया जाएगा बोल्ट या प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा, क्योंकि इस बंदे को ऐसा मतलब इसको पहली बॉल से 4-6 मारने होते हैं। तो अगर ये मतलब दो पावर प्ले के अंदर टिक गया, 2-3 ओवर सही तरीके से खेल लिए तो फिर ये बहुत तगड़ा स्कोर करेगा, वरना ये जल्दी जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे जनरली हुआ भी यही है और देखा भी यही गया है कि यहाँ पे रन स्कोर तभी बंदा कर पाता है जब थोड़ा सा वो टाइम स्पेंड करता है। प्रोबेबल 11 अगर आप देखोगे, वेंकटेश अय्यर आपको अरेन फिंच के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, श्रेयस अय्यर वन डाउन, सुनील नारायण सेकंड डाउन, मे बी इनके पहले इसमें आपको नीतीश राणा यहाँ पे दिख सकते हैं। ये तो सुनील नारायण इसलिए आए थे क्योंकि फिंच और वेंकटेश अय्यर जल्दी चले गए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीतीश राणा है, फिर शेल्डन जैक्सन है, आंद्रे रसल है, पैट कमिंस है, उसके बाद यहाँ से अमन खान है, मे बी चेंज हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, बट देखते हैं क्या करती है टीम। उमेश यादव है और वरुण चक्रवर्ती है। उमेश यादव वर्सेस पैट कमिंस, मतलब ये दो आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और डेथ के ओवर में रसल का फिक्स है, या तो आएंगे उमेश के साथ या कमिंस के साथ, क्योंकि अभी लास्ट वाले मैच में आपने देखा होगा पैट कमिंस आए थे और उससे पिछले वाले मैच में उमेश यादव आए थे, तो दोनों आ सकते हैं, इसलिए दोनों का मैंने लिखा हुआ है। इनके बेंच के कुछ प्लेयर्स हैं जो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। सेकंड टीम है राजस्थान की टीम, बटलर पड्डीगल के साथ ओपनिंग, सैमसन वन डाउन, डसन सेकंड डाउन, हेटमायर, रवि अश्विन, रियान पराग, जेम्स नीशम और ट्रेन। देखिए अकॉर्डिंग टू मी, और ये करना भी चाहिए राजस्थान को, जो डसन है आरवी डसन, इनके पहले इसमें डायरेक्टली बोल्ट को ले आओ, क्योंकि नीशम आपको बैटिंग भी देगा बॉलिंग भी देगा। डसन स्लो खेलता है, अगर जैसे राजस्थान का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, जैसे बटलर चला गया जल्दी पावर प्ले के अंदर ही, फिर पड्डीगल चला गया आप 6-7 ओवर के बीच, तब डसन जैसे प्लेयर जितना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं ना कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि स्लो स्लो खेल के बहुत तगड़े स्कोर कर देगा। लेकिन अभी बटलर अच्छी फॉर्म में है और उसके अलावा पड्डीगल भी अच्छी फॉर्म में, लास्ट मैच को इग्नोर करना, सैमसन भी काफी, सैमसन ने उतना स्कोर नहीं किया, तो मेरे हिसाब से तो देखिएगा इस चौथे नंबर पर आने चाहिए नीशम को, फिर हेटमायर को, फिर आने चाहिए अश्विन को, या फिर ये चौथे पे अश्विन भी आ सकते हैं जैसे एक मैच में आए भी थे आपने देखा हो तो। तो ये देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, डसन के प्लेस में नीशम खेलने चाहिए और बोल्ट खेलने चाहिए, बाकी देखते हैं टीम मैनेजमेंट किसके साथ जाती है, क्योंकि देखिए मेन चीज ये है डसन सिर्फ बैटिंग देगा, नीशम बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देगा, तो दोनों एडवांटेज लेने चाहिए राजस्थान को। उसके बाद कुलदीप सेन है, प्रसिद्ध कृष्णा है और युजवेंद्र चहल है। ओपनिंग में आपको ट्रेंट बोल्ट अगर खेलते हैं तो दिखेंगे कृष्णा के साथ, वरना नीशम है, और डेथ में भी फिक्स सेम ही है कि या तो नीशम आएंगे या जो बोल्ट खेलेंगे तो बोल्ट, और डेथ में प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप सेन, इन दोनों में से भी कोई एक आएगा, इनका भी फिक्स नहीं है। बेंच के कुछ प्लेयर से अब गेम यहाँ पे डिपेंड होता है, क्योंकि वो तो था मैच का डेटा, अब यहाँ पे पता लगेगा कि कौन प्लेयर किसके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है और कौन किसको आउट करता है। सबसे पहला बैटल उमेश यादव वर्सेस जोस बटलर, देखिए दोनों प्लेयर काफ़ी अच्छी फॉर्म में, यादव बॉलिंग से, बटलर बैटिंग से, तो बटलर को 29 बॉल में 47 रन देके उमेश यादव ने एक बार आउट किया हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मैच में कौन विन करने वाला है, ठीक है, तो ये बैटल दिखेगा आपको, इस चीज को ध्यान में रख के टीम्स को रेडी करना है। सेकंड बैटल आपको संजू सैमसन वर्सेस सुनील नारायण। संजू गाइस देखिए आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं कि
जो स्पिन बॉलर्स हैं उनके सामने बहुत तगड़ा स्ट्रगल करता है। इवन आईपीएल की हिस्ट्री में 100 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट भी नहीं आया है संजू सैमसन का जो स्पिन बॉलर है उनके कंपैरिजन में। और संजू सैमसन को सुनील नारायण ने 59 बॉल में 47 रन देके 3 बार आउट भी किया हुआ है। तो ये बैटल भी एक लेजेंडरी बैटल रहेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। सैमसन वर्सेज सुनील नारायण के बाद आपको हेटमायर वर्सेज रसल दिखेगा। बहुत तगड़ी कुटाई करता है भाई हेटमायर रसल की, बहुत तगड़ी, क्योंकि 22 बॉल में 45 रन है और विकेट एक बार भी नहीं है। फिंच वर्सेस आपको ट्रेंट बोल्ट दिखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है क्योंकि दोनों पावर प्ले में आमने सामने आएंगे। अगर फिंच थोड़ी देर रुक जाते हैं तो बढ़िया काम हो जाएगा फिंच के लिए, वरना ट्रेंट बोल्ट की विक्ट्री आप फिक्स मान के चलना। उसके बाद आपको श्रेयस अय्यर वर्सेस युजवेंद्र चहल। तो गाइस देखिए एक बात ध्यान देना, चहल आपको पता ही है कैसे तगड़े बॉलर है, मतलब हर एक बंदे का विकेट लिया हुआ है, बट श्रेयस अय्यर का एक भी बार आईपीएल की हिस्ट्री में इसने विकेट नहीं लिया है। तो बैटल ये दिखेगा कि जो चहल है वो चाहेंगे कि अपना रिकॉर्ड इनके अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छा रखे या फिर करे, तो ये भी एक अच्छा बैटल दिखेगा। रसल वर्सेस अश्विन, तो गाइस देखिए अश्विन ने 12 बॉल के अंदर केवल रसल कितना तगड़ा प्लेयर है, 13 रन बनाने दिए और एक बार आउट किया हुआ है। तो ये बैटल भी दिखेगा। एक लीजेंडरी बैटल दिखेगा आपको वरुण चक्रवर्ती वर्सेस जोस बटलर का, ठीक है। पावर प्ले के अंदर जो है वरुण चक्रवर्ती को लाया जा सकता है बटलर की जगह पे, तो एक बात ध्यान देना, हालांकि मैंने लिखा नहीं है, अगर आप लोग वरुण चक्रवर्ती को ले रहे हो और बटलर की टीम कर रही है पहली बैटिंग, तो ड्रॉप कर देना आप बटलर को, क्योंकि हाई चांस हो जाएंगे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ले जा सकता है। अगर वरुण चक्रवर्ती ने सेम फिंच की तरह सॉरी बटलर ने सेम फिंच की तरह वरुण चक्रवर्ती को संभाल लिया, अटैक नहीं किया, तो फिर वरुण चक्रवर्ती कुछ नहीं कर सकता, फिर वो आराम से बैटल जीत जाएगा बटलर। लेकिन वरुण चक्रवर्ती फंसा सकता है जैसे नारायण फंसा सकता है ना सैमसन को, स्ट्रगल करता है, मतलब सेम थिंकिंग है वो चीज़ें। तो ये बैटल्स आपको दिखेंगे। आप जो ग्रैंड लीग खेलेंगे ना वो क्या करेंगे, देखिए ये तो डेटा था, जो ग्रैंड लीग खेलेंगे वो ये करेंगे आप लोग, क्योंकि टीम तो बनाओगे, ठीक है, टीम जब आप बनाओगे ना तो आप लोग सबसे पहले तो इस मैच में ये सेलेक्ट कर लो कि यार आज मुझे इस मैच में जितनी भी ग्रैंड लीग की टीम बनाओगे सब में एक ही प्लेयर को कैप्टन बनाना है, क्योंकि अगर वो प्लेयर चल जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी इस बटलर को सारी टीम में कैप्टन बनाया और बटलर ने बना दिए 90 रन, तो मेरी एक भी टीम जो है ना आउट ऑफ विनिंग जोन नहीं रहेगी और मेरी सारी टीम मुझे विनिंग देगी, और मेरे पास फिर 20 कॉम्बिनेशन होंगे, बटलर 90 रन है तो बस मुझे वीसी चेंज करते रहना है, कॉम्बिनेशन को चेंज करते रहना है और मैं आराम से ग्रैंड लीग को विन कर सकता हूँ। या दूसरा तरीका यह है, आप जितनी भी टीम्स बनाओगे ना तो किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर दो, जैसे कि आपने ड्रॉप कर दिया यहाँ से बटलर को ही, आप किसी भी टीम में मतलब बटलर को, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कैसे, देखिए जैसे बटलर को आपने सारी टीम में कैप्टन बनाया तो क्या होगा, और बटलर परफॉर्मेंस दिखाया तो क्या होगा, आपके विनिंग चांसेस 90% हो जाएंगे ग्रैंड लीग के। और जैसे मान लीजिए आपने बटलर को ड्रॉप कर दिया और बटलर फ्लॉप हो गया 5 से 10 रन बना के, तो जो 84% लोग हैं ना वो बंदे ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते, और आपके पास तो फिर 20 टीम है जो बिना बटलर के हैं, तो कोई बड़ा प्लेयर ड्रॉप करना पड़ेगा। या मैं ये नहीं कह रहा हूँ बटलर को ड्रॉप करो, सैमसन का भी रिकॉर्ड काफ़ी गंदा है ना, तो सैमसन का ड्रॉप कर दो आप लोग, तो ये है, या फिर हेटमायर को तो मैं मना करूँगा लाइकली। फिंच को सारी टीम में कैप्टन बना दो, क्योंकि अगर ये पावर प्ले को संभाल लिया तो फिर ये भी बहुत तगड़ा प्लेयर है। तो ये है, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी है, ये रिस्की जरूर है बट आपके लिए एक फाइन काम करेगी, ठीक है। और जो मैंने बैटल्स बताए उनको ध्यान रखना है। नाउ गाइस मैं आपको टीम दिखाता हूँ, फाइनल जो भी टीम होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, और ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। अच्छा सबसे पहले तो एक बात ध्यान देना कि गाइस देखिए, सबसे पहले तो जिन भी भाइयों ने फैंटाफिट डाउनलोड नहीं किया है, तो मैंने आपको अगर याद हो वीडियो देख रहे हो आप, तो मैंने बोला था आपके लिए 8,000 का गिव अवे है, ठीक है, तो 3,000 रुपये का तो फैंटाफिट पे गिव अवे है, और ये रोजाना आईपीएल के मैच में होता है। तो जो भी हमारा भाई ऐसा हो जिसने डाउनलोड ही नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों को फैंटाफिट को डाउनलोड कर लेना है, और ये जो गिव अवेज है इनको ज्वाइन कर लेना, अच्छे ऐप है। और यहाँ पे खेलने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो विनिंग चांसेज है वो आपके ज़्यादा रहेंगे, और प्लस पॉइंट ये है क्रेडिट की इशू नहीं आएगी। जैसे अगर आप लोग ड्रीम इलेवन में खेलोगे तो आपको मालूम है आपको बिना बड़े प्लेयर को ड्रॉप किए हुए आपकी टीम नहीं बनेगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप लोग बटलर को पिक कर सकते हो, सैमसन को, मतलब रियलिटी ये है कि यहाँ पे जो टीम बनेगी ना वो ड्रीम इलेवन पर नहीं बन सकती, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट की इशू है। और फिर बेस्ट थिंग ये है कि मैं खुद यहाँ पे 1.5 करोड़ से ज़्यादा विक्ट्री कर चुका हूँ, विनिंग कर चुका हूँ, और उसका अगर प्रूफ देखना है तो उसका एक छोटा सा प्रूफ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 86 लाख रुपए की मेरी यहाँ पे विनिंग भी है जो लाइव है आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हो, जिन्होंने नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। नाउ गाइस अब मैं आपको टीम दिखाता हूँ जो मेरी डेमो टीम रहेगी।
सो गाइस देखिए जो मेरी टीम है वो ये है। कैप्टनसी में अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए मैं जो है ना सेफ जा रहा हूँ। देखिए बटलर का क्या है, दिक्कत होगी दो तीन प्लेयरों से, नारायण से भी होगी और वरुण से भी होगी, तो दिक्कत है, इसीलिए मैं इसको जो है ना नॉर्मल ही ले रहा हूँ। देखिए कैप्टन तो मेरा रसल है, फिक्स है, यही रहेगा। वीसी की बात आती है, सैमसन है, बटलर है और चहल है, ठीक है। अब बटलर का सीन यार देखो है तो बहुत गजब का प्लेयर, लेकिन अगर नहीं चला तो फिर काम खत्म कर सकता है। तो मेरा जो कैप्टन है वो रसल है, वीसी चहल है। चहल का मुझे पता है कि भाई ये बंदा मुझे निराश नहीं करेगा, ये निराश नहीं करेगा, ये विकेट लेके जाएगा। नहीं भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बेस्ट है ना वो बेस्ट है। जैसे कल राशिद खान है, विकेट लेस चला गया, ठीक है, कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि पता है हमें यार अच्छा प्लेयर है वो, ठीक है। उसको सामने वाले बैट्समैन खेलते ही नहीं उठा के, वो चीज़ें खेलेंगे तो आउट करने कर ही देगा। तो इसीलिए मेरी टीम ये है, बस मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा सा डिफरेंट, वीसी स्पेशली रिस्की है, आप सेफ जा सकते हो बटलर के साथ। और अगर आप लोग ड्रीम इलेवन की टीम चाहते हो तो भाई अभी तो मैं देने वाला हूँ नहीं, ठीक है, और ट्राई करना कि ड्रीम इलेवन पर तो ग्रैंड लीग खेलो, बेस्ट वही रहेगा। और मैं भी कोशिश करूँगा आपको कम से कम 5 से लेकर 10 टीम दूँ ग्रैंड लीग की, ठीक है, टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जो मैंने आपको बातें बताई है एक बार फिर मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, चक्रवर्ती का बटलर से स्ट्रगल, नारायण का सैमसन से स्ट्रगल, एंड बोल्ट भी खेल सकता है और खेलेगा तो फिंच का स्ट्रगल, वन कैप्टनसी आपको ट्राई करना है, या तो आप लोग ट्राई करो रसल के साथ क्योंकि बेस्ट है वो, डेथ में बॉलिंग बेहतरीन बैटिंग, या फिर आप ट्राई करो किसी एक बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके, जैसे कि आपने ड्रॉप कर दिया हेटमायर को या बटलर को या फिर सैमसन को, ये चीज़ें ट्राई करोगे तो ग्रैंड लीग में रैंक बहुत अच्छी आएगी। और बाकी देखिए अभी तो क्या है, मेरे पास उतना टाइम वगैरह नहीं हो पाता, वरना इतनी मैं शानदार वीडियो आपके लिए बनाऊं कि आप भी सोच में पड़ जाओ। लेकिन वही चीज़ यार, कई चीज़ें हैं ना अपने हाथ में नहीं होती है, तो ये ध्यान देना, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा जीएल टीम्स आपको शेयर कर दूं, और जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया फैंटाफिट डाउनलोड कर लेना, और 5,000 का गिव अवे आपको टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।